यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर एसआईटी में तैनात एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। श्वेता श्रीवास्तव का 10 साल का बेटा स्केटिंग करके लौट रहा था। यह हादसा गोमती नगर इलाके में जैनेश्वर मिश्र पार्क के सामने वाली रोड पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक नौमी सुबह जैनेश्वर मिश्र पार्क स्थित स्केटिंग कोर्ट से प्रैक्टिस के लिए गया था। बताया जा रहा है कि जब वो वापस आ रहा था तो ये दुर्घटना हुई थी। किसी अज्ञात वाहन ने बच्चे को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बच्चे की मौत खबर सुनते ही लखनऊ के आला अधिकारी एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के घर पहुंचे। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, डीजी ट्रेनिंग रेणुका मिश्रा, पुलिस कमिश्नर एसबी सिरोडकर के अलावा एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा समेत कई अफसर श्वेता श्रीवास्तव के घर पहुंचे। इन अफसरों के अलावा पीपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह, उपाध्यक्ष पुण्येंदु सिंह समेत पूरी कार्यकारिणी के पीपीएस अफसर श्वेता श्रीवास्तव के घर पुलिस अफसर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। तो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अफसरों के मुताबिक सफेद रंग की कार ने नौमिश को टक्कर मार दी थी। पुलिस की टीमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। श्वेता श्रीवास्तव पहले लखनऊ में सीओ गोमती नगर रह चुकी हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 10 साल के बच्चे को कार ने रौंद दिया। बच्चा जैनेश्वर मिश्र पार्क से स्केटिंग कर घर लौट रहा था, लेकिन अफसोस कि उसे घर लौटना आज लिखा ही नहीं था। बता दें कि तेज रफ्तार होने के कारण कार सवार ने बच्चे को रौंद कर तुरंत वहां से भाग निकले में कामयाबी पाई। बता दें कि एसीपी श्वेता होनहार अफसरों में से एक मानी जाती है, जिसके कारण उन्हें पदोन्नति भी मिली है। इधर बच्चा स्केटिंग सीखने के लिए उनका बाहर गया था, लेकिन लौटते समय जैनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस टक्कर मारकर फरार हुई कार की तलाश में जुटी है। इसको लेकर पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसको लेकर लखनऊ डीसीपी इष्ट ने बताया है कि फिलहाल उस सफेद कार की पहचान के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। उसी अभियोग के क्रम में जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सबको देखते हुए हमारे क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई।
और इस गाड़ी को चलाने वाले दो लड़के सार्थक सिंह पुत्र रविंद्र सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।